वेब हबल डार्ट प्रभाव के विस्तृत दृश्यों को कैप्चर करते हैं। नासा की दो महान वेधशालाएं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नासा के एक अनूठे प्रयोग के दृश्यों को कैप्चर किया है, जो जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को एक छोटे से क्षुद्रग्रह में नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ग्रह रक्षा के लिए दुनिया के पहले अंतरिक्ष परीक्षण में है। नासा के दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट के इन अवलोकनों ने पहली बार वेब और हबल ने एक ही खगोलीय लक्ष्य का एक साथ अवलोकन किया। 26 सितंबर 2022 को शाम 7:14 बजे EDT डार्ट जानबूझकर डिमोफोस में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो डिडिमोस के डबल क्षुद्रग्रह प्रणाली में क्षुद्रग्रह चंद्रमा है। यह गतिज प्रभाव शमन तकनीक का दुनिया का पहला परीक्षण था, जिसमें एक ऐसे क्षुद्रग्रह को विक्षेपित करने के लिए एक अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था जो पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है और वस्तु की कक्षा को संशोधित करता है। डार्ट संभावित क्षुद्रग्रह या धूमकेतु खतरों के खिलाफ पृथ्वी की रक्षा के लिए एक परीक्षण है। समन्वित हबल और वेब अवलोकन प्रत्येक दूरबीन के लिए केवल एक परिचालन मील का पत्थर से अधिक है। हमारे सौर मंडल के मेकअप और इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न भी हैं, जो शोधकर्ता इन वेधशालाओं की क्षमताओं को जोड़ते समय खोज सकते हैं। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा, वेब और हबल दिखाते हैं कि हम हमेशा नासा में सच होने के लिए जाने जाते हैं। जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम और सीखते हैं। पहली बार वेब और हबल ने एक साथ ब्रह्मांड में एक ही लक्ष्य से इमेजरी पर कब्जा कर लिया है, एक क्षुद्रग्रह जो 7 मिलियन मील की यात्रा के बाद एक अंतरिक्ष यान द्वारा प्रभावित हुआ था। पूरी मानवता वेब से आने वाली खोजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। हबल और हमारे ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप डार्ट मिशन और उसे आगे के बारे में। वेब और हबल के एक साथ अवलोकन से वैज्ञानिकों को डिमोफोस की सतह की प्रकृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। टक्कर से कितनी सामग्री निकली थी और कितनी तेजी से इसे निकाला गया था। इसके अतिरिक्त वेब और हबल ने प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्रभाव को कैप्चर किया। वेब इंफ्रारेड में और हबल दृश्यमान में तरंग दैर्ध्य की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रभाव का अवलोकन करने से विस्तारित धूल के बादल में कण आकार के वितरण का पता चलेगा। यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि क्या इसने बहुत सारे बड़े हिस्से या ज्यादातर महीन धूल को फेंक दिया। इस जानकारी को ग्राउंड आधारित टेलीस्कोप अवलोकनों के साथ मिलाकर वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि एक गतिशील प्रभाव क्षुद्रग्रह की कक्षा को कितनी प्रभावी ढंग से संशोधित कर सकता है। वेब टक्कर से पहले और बाद में प्रभाव साइट पर कब्जा करता है। टक्कर होने से पहले वेब ने प्रभाव स्थान का एक अवलोकन किया, फिर अगले कुछ घंटों में कई अवलोकन किए। वेब के नियर इंफ्रारेड कैमरा निरकाम की छवियां एक तंग कॉम्पैक्ट कोर दिखाती हैं, जहां सामग्री के ढेर उस केंद्र से दूर स्ट्रीमिंग के रूप में दिखाई देते हैं जहां प्रभाव हुआ था। वेब के साथ प्रभाव को देखते हुए आकाश में यात्रा की क्षुद्रग्रह की गति के कारण उड़ान संचालन योजना और विज्ञान टीमों को अद्वितीय चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया गया। जैसे ही डार्ट ने अपने लक्ष्य के पास पहुंचा, टीमों ने वेब के लिए निर्धारित मूल गति सीमा की तुलना में 3 गुना तेजी से आगे बढ़ने वाले क्षुद्रग्रहों को ट्रैक करने की एक विधि को सक्षम और परीक्षण करने के लिए प्रभाव के लिए अग्रणी हफ्तों में अतिरिक्त कार्य किया। एरिजोना के फ्लैगस्टाफ में उत्तरी एरिजोना विश्वविद्यालय के प्रमुख अन्वेषक क्रिस्टीना थॉमस ने कहा, मेरे पास वेब मिशन ऑपरेशंस के लोगों के लिए जबरदस्त प्रशंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। हम वर्षों से इन अवलोकनों की योजना बना रहे हैं, फिर हफ्तों के लिए विस्तार से, और मुझे बहुत खुशी है कि यह सफल हो गया है। वैज्ञानिकों ने आने वाले महीनों में वेब के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट MIRI और वेब के नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ NIRSPC का उपयोग करके एक क्षुद्रग्रह प्रणाली का निरीक्षण करने की भी योजना बनाई है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा शोधकर्ताओं को क्षुद्रग्रह की रासायनिक संरचना में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। वेब ने कुल 5 घंटे में प्रभाव देखा और 10 छवियों को कैप्चर किया। डेटा को वेब के साइक्लिक गारंटी टाइम ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम 1245 के हिस्से के रूप में एकत्र किया गया था, जिसका नेतृत्व एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज फॉर रिसर्च इन एस्ट्रोनॉमी ऑरक के हेडी हेमिल ने किया था। हबल छवियां प्रभाव के बाद इजेक्टा की गति दिखाती हैं। हबल ने प्रभाव से पहले बाइनरी सिस्टम के अवलोकनों पर भी कब्जा कर लिया, फिर DART के डिमोफोस की सतह पर 15 मिनट बाद फिर से। हबल के वाइड फील्ड कैमरा 3 की छवियां दृश्य प्रकाश में प्रभाव दिखाती हैं। प्रभाव से इजेक्टा क्षुद्रग्रह के शरीर से निकलने वाली किरणों के रूप में दिखाई देता है। क्षुद्रग्रह के बाईं ओर इजेक्टा का बोल्ड फैंड आउट स्पाइक उस सामान्य दिशा में है जहां से डार्ट आया था। कुछ किरणें थोड़ी घुमावदार प्रतीत होती हैं, लेकिन खगोलविदों को यह निर्धारित करने के लिए करीब से देखने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। हबल छवियों में खगोलविदों का अनुमान है कि प्रभाव के बाद सिस्टम की चमक 3 गुना बढ़ गई और देखा कि प्रभाव के 8 घंटे बाद भी चमक स्थिर रहती है। हबल ने अगले 3 हफ्तों में डिडिमोस डिमोफोस सिस्टम की 10 बार और निगरानी करने की योजना बनाई है। इजेक्टा क्लाउड के विस्तार और समय के साथ फीका पड़ने के रूप में ये नियमित अपेक्षाकृत दीर्घकालिक अवलोकन इजेक्शन से इसके गायब होने तक क्लाउड के विस्तार की एक और पूरी तस्वीर चित्रित करेंगे। जब मैंने डेटा देखा तो मैं सचमुच अवाक था। हबल द्वारा कब्जा किए गए बेदखल के अद्भुत विवरण से दंग रह गया। एरिजोना के टक्सन
में ग्रह विज्ञान संस्थान के जियान यांग ली ने कहा, जिन्होंने हबल टिप्पणियों का नेतृत्व किया, मैं इस पल को देखने और उस टीम का हिस्सा बनने के लिए भाग्यशाली महसूस करता हूँ जिसने ऐसा किया। हबल ने डिमॉर्फोस के साथ डार्क के प्रभाव के ठीक पहले और बाद के समय में 45 छवियों को कैप्चर किया। हबल डेटा को साइकिल 29 सामान्य पर्यवेक्षक कार्यक्रम 16674 के भाग के रूप में एकत्र किया गया था। यह एक अभूतपूर्व घटना का एक अभूतपूर्व दृश्य है। लॉरेल मैरीलैंड में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी अप्लाइड फिजिक्स लेबोरेटरी के डार्क जांच दल के नेतृत्व एंडी रिवकिन ने संक्षेप में बताया। नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नासा के एक अनूठे प्रयोग के दृश्यों को कैप्चर किया है जो जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को एक छोटे से क्षुद्रग्रह में नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है जो ग्रह रक्षा के लिए दुनिया के पहले इन स्पेस टेस्ट में है। नासा के दोहरे क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट के इन अवलोकनों ने पहली बार वेब और हबल ने एक ही खगोलीय लक्ष्य का एक साथ अवलोकन किया।